मेरी मैया मर गई, मैं तो कोड़ा नहीं तैसा सोई पड़ गया। इसे यूं ना पता है इसके रिश्ते वाले आने वाले हैं, आज आज मर जाएगी। मेरे हाथों से आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, तेरी टांगे फड़ो। मेरी मैया मरे चलिए, ये चैन ना बिल्कुल भी जा, छाती पर ठाव फिरा कुर्सी को, इसे कभी नीचे भी रख दे कर। हाँ तो इसे क्या हो रहा है, छाती पर ठाव फिरू तो बैठने को काम दे भाई मेरे, तो हर दम इसे अपने साथ ही रखेगा तू। अरे तू जाए काम करिए, नए कपड़े पहन के लिपस्टिक लगा के। हाँ तुझे मेरे नए कपड़े लिपस्टिक दिख रही है, तुझे यूं ना पता आज क्या है, है? क्या है आज, क्या है आज, तेरी नोनिया के रिश्ते वाले ना आ रहे हैं आज। पता है मुझे, पता तो ऐसा घूमेगा तो छाती पर लेकर, कोई तैयारी पैयारी ना करनी है, कैसे वो आने वाले होंगे। ब्याह लौंडिया करना है मुझे, अपना करना, लौंडे भी देखेंगे मुझे देखेंगे। तू तो ऐसा घूम रही है जैसे तुझे देखने वाले आ रहे हो, तो चला जा कुछ कर ले जाके, कर ले जाके कर ही रहा हूँ मैं तो, चला जा। कितना मुझोर है, और तुझे बताऊं पहले कैसे फैली पड़ी है, आ गई। हो देख कैसा घोड़े बेच कर सोई पड़ी है, कुछ पता नहीं है इसे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अरे सुनना रही, कोड़न उठ जा, किंगर है इसका मुंह, इंगर दिखा है देखू। अरे उठना रही, अरे उठ, अरे अरे मेरी मैया, अरे मेरी मैया रे, पिछवाड़ा तोड़ दिया कोड़न ने। अरे बुढ़िया तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ बाप चौधरी और नू कह रही है मुझे, तू क्या कर रही है यहाँ पे? ओ इतनी जोर से लात मारी है छाती में, सांस भी ना आ रही है मुझे, और तुझे कुछ पता ना पता आज तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, कुछ करना ना करना, जाकर नहा धो ले, तैयार हो जा। अच्छी अम्मा मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, पूरा दिन पड़ा है, हो जाऊंगी तैयार। तूने तो मेरी नींद हराम कर दी सुबह सुबह। बच्चों की काट रही है तू, देख एक युवा जा धरती पर बोझ, हमारे तो इन्हें जान खा रखी है, इसे कुर्सी को छाती पर ठहा कर घूमता रहा, पता नहीं इसमें हीरे मोती लग रहा है क्या। हम तो धरती पर बोझ है, तू भी कुछ करेगी ना करेगी, मेहमान आने वाले है, ये बोलने में काट देगी टाइम। हाँ तो मेहमान आने वाले, तैयारी कर रही हूँ मैं। हाँ तैयारी कर रही, यहाँ बैठ के तू तैयारी कर रही, खुद तो तैयार हो गई, और कोई तैयारी करी ना, रोटी तो खाने की ना मेहमान। अम्मा मैं तो हो जाऊंगी तैयार, मैं तुम दोनों से ये कह रही हूँ अब की बार मेरा रिश्ता हो जाना चाहिए, पिछली बार की तरह ड्रामा मत कर दियो, पहले बता रही हूँ तुम दोनों से। इसे समझा ले अपने बाप को, सा खद्दू को कोड़िया बता, मेहमान आए और मैंने सामान ला कर रखा मेहमानों के ताई, और कोड़िया खाया खुद, इनने बेइज्जती करवाई पिछली बार भी। इसे समझा ली अपने बुड्ढे को, नहीं जान से मार दूंगी अब। मैं खुद ना कुछ कराई ना हो, अंदर तो तू खाती रसोई के पहले। तो अंदर ही तो खाए थे मैंने, बाहर थोड़ी खाए थे। तो बाहर तो मैं खाते जब वो खाना रहे थे तो। अम्मा तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो जाएगा, करें तैयारी। तैयारी करो, हाँ जल्दी जाएगा तू तैयार हो, और मैं भी तेरे के जींस पीस पहन लूं। क्या पता उनका बाप कितना सोना होगा। अरे मैं मर गया क्या, जो बाप को देखेगी तो उसके साली छाती में ऐसी लात मारूंगा पूरे दुआरे दूध दूध हो जाएगा। कितना देख कितना गंदा, अभी हाथ थारी है, हाथ थारी भी सुसु हटिए 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 तुम दोनों के यही तो ड्रामे रहते हैं, तभी तो मेरा रिश्ता नहीं होता। अरे हो गया रिश्ता, पहले इसका रिश्ता करूंगा मैं, मुझे चाहिए फैसला इससे, मैं करूंगा तेरे डिवोर्स। हाँ अब तू बुढ़ापे में हमसे डिवोर्स लेगा, कोड़ी शरम मारी, लौंडा तेरी ये जवान हो ही पड़ी है, और इसके रिश्ते वाले आ रहे हैं आज, और तुझे चाहिए मेरे से डिवोर्स, हाँ तुझे शरम ना आ रही बिल्कुल भी। मेरी सुसरी की अगर रैप्टा मार दिया तो पीछे गिर दूंगा, तू तो ऐसी बात कर रही थी कि मुझे जींस पहननी है, मुझे बुढ़ा देखना है उसका। ए भगवान चुप हो जाओ दोनों के दोनों, तुमने मेरे जीवन दुखी कर रखा है, तू भी कम ना है अम्मा, समझ गई, तैयारी ना करनी। तैयारी मैं तो तैयारी करनी है, मैं तो सुबह से तैयार होकर घूम रही हूँ, लेकिन ये बुड्ढा, ये बुड्ढे ने मेरी जान खा रखी है, मेरी जिंदगी दुखी कर दी ना, जब से मेरा ब्याह होया आज तक। मैं तो बहुत खुश हुई तुझसे ब्याह करके, मेरे कर्म फूट गए जो तुझसे ब्याह कर लिया। हाँ जैसे तुझे हेमालनी मिलती, हेमालनी मिलती तो कोई तो मिलती, बिहारन लिया था पर तुझसे ना करता मैं, पता होती तो। अम्मा तू भी कम नहीं है, तुझे भी बुढ़ापे में आदमी चाहिए, खसम चाहिए, समझ गई, खसम चाहिए, मेरा रिश्ता हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों में आग लगा दूंगी, मट्टी का तेल छिड़क के, समझ गए। मैं यूं तो दिल्ली वाले लौंडे बनने की पैर की जिंस देखेगी फिल्म, और हम बैठ के मैंने ढेर में चला ना, हो जाने कोड़िया नहीं है, गला भेज का मार दूंगी। अभी चली जा परकू, चली जा, जिंदगी दुखी कर दी, जिंदगी तो हमारी दुखी हो गई।
जल्दी काम कर लूं, अब मेहमान आने वाले होंगे। गड्डियां उच्चियां रखी हैं। यहाँ तो लग रही है थोड़ी सी धूप। चैन मिल गया दिल को। कोलिए, ना पूरा घर में जगह पड़ी है, ना तुझे बैठने को हाई जगह मिली मेरी छाती पे है। अरे मेरी सुसरी वहां, मुझे ठंड लग रही है अंदर, मैं धूप सेकने आया। ओहो कोलिए, ऐसे चट्टू मारूंगी, दांत बाहर कर दूंगी तेरे। ये जून की गर्मी पड़ी है बहुत बुरी वाली, और तुझे ठंड लग रही है, है? ना गया तू यहाँ से? मैं कह रहा हूँ मुझसे औकात न बोले कर, तू मर जाएगा मेरे हाथों से। जब मेरे से मुझारी मत ना करे, जब कुछ मिले काम कर लेंगे, वो मेहमान आने वाले हैं, हट यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कैसे पिछवाड़े कैसे लात मारूंगा, पूरे द्वारे मांगती फिरेगी, कुर्सी लेना है अपनी। भाई हम तो इस अपने आदमी से बड़े दुखी हाली है भाई। साइकिल 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 बापू। हाँ। अम्मा की भी ऐसी फिरकनी बनाई हो, बहुत बोले। अरे अम्मा को बनाऊं मैं गोली। साइकिल 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 मरी के लिए कैसे लेट मार रहे है इस पे, है ना? तुम्हें ना आ रही बिल्कुल भी शर्म, और तू भी अपने बापू की तरह हो गई है। तुम पीछे को तो हो जा, पीछे को हो जा ना। मैंने ये तेरे तय लगाया है बिस्तरा, है? मेहमान आने वाले होंगे, कुछ काम धाम की तो फिक्र है ना तुझे बिल्कुल भी। सारा और... काम कर दिया हमारे बापू ने, ठीक है। हो दे, तू भी अपने बापू के ओर की कर रही है अब, है? मर जाएगी मेरा हाथ। कुर्सी पे से उठ जानी, छाती में ऐसी लात मारूंगा, इंजन में लगी दो बार, खड़ी उस पर से और ये मारू लात। हाँ मरी के लिए जैसे तूने इसमें हीरे मोती लगवा रखे होंगे, ले अपनी कुर्सी पकड़ी हूँ। इस कुर्सी पे ना राजा और महाराजा बैठते हैं, मेरे जैसे तेरी सड़ी औरत को बिठाऊंगा मैं। हाँ जैसे तू बहुत अच्छा है ना कोड़िया, सड़ी औरत से सिकल क्या। अब चुप हो जाओ, दोनों लड़ते ही रहोगे। अम्मा तूने तो जीवन दुखी कर रखा है। बापू चलो, इस बुढ़िया के मुंह मत लगो। चल। हाँ तू भी अपने बापू की औरत गा रही है अब। हाँ ले दे छाती पर रख। भाई हमारे तो ये जिंदगी दुखी कर दी बुढ़े ने। मरी के लिए कहाँ रह गए मेहमान, अभी आए ना, सुबह से शाम हो ली, नू कह रहे हैं नू 11 बजे तक आ जाएंगे, 3 बज के बताओ अभी तक ना आए। ऐसी लग रहे हैं मुझे तो ये लैंडी से ही आए ना अभी तक, जनांगे भी जन्ना। नमस्ते जी। अरे अरे कोलिया हटिया दूर को, क्या बात है भैया, कौन है? अजी हम है रिश्ते वाले, और ये वही लड़का है जिसके हम रिश्ते की बात करना आए हैं। यू क्या कर रहा था, मेरी टांग उठा दी ऊपर को, है? अरे वो संस्कारी है, पैर छू रिया था तुम्हारे। ये इसका संस्कार है, और ऐसे संस्कारों का क्या करूंगी मैं, इन्हें मेरी टांग फाड़ी होती, चीरा लग गया मेरी टांगों में, है? ताके हो रहेंगे अब। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, रिश्ते की बात कर ली जाए, अपनी लड़की को बुला लो। हाँ बुला रहे हैं लड़की को भी। लल्ली अन्नू आ जा बेटी, देखे तेरे रिश्ते वाले आ गए। और बताओ कोई आने में दिक्कत परेशानी तो ना हुई? ना ना कोई दिक्कत ना हुई। लो तुम नमकीन लो। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? अरे जुर्त कैसे ना आज की, अरे जुर्त तो पूरी है, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी हम खातिरदारी ना करेंगे कैसा? भाभी जी नमस्ते। कौन ये, तुझे भाभी दिख रही है? अरे ये लोंडिया है हमारी, कैसा आई लोला? Oh, no. तू क्यों खा रही है? बाद में खा ली, अंदर जाकर भतेरे रखे हैं। अंदर छोड़ खाई तू, कुछ पन्नी पड़ी है, तुम दोनों खाई अंदर तो। हाँ मैं रखाऊं मैं अब। खद्दू जान से मार दूंगी, रख दे हाँ को रख दे इसे। पर अकुर है खंडे तो भूख लग रहा सुबह से। कोई बात ना, बुरा मत मारियो, इनकी तो आदत ही ऐसी है। कोई बात ना, तुम चाह लो, लो चाह लो, तुम चाह लो। अरे तुम लो चाय लो, तुम लो लो ले ले ले, तू भी ले ले चाय। अम्मा मैं ना ले रही चाय, पी लूंगी बाद में। चल ठीक है पी लिए। ओहो बिखरी। और तुम इनकी बात का बुरा मत मानियो, इनकी तो आदत ही ऐसी है, थोड़ा खान पीन में ऐसी कराए ये।
कोई बात ना, और नमकीन ले लो, नमकीन ले लो, नमकीन। कौन ये? मैंने तेरे से पहले ही कही तू मेहमानों के सामने कुछ उल्टा सीधा मत करिए। लेकिन नहीं, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आता ना। रुक जा, अभी बताऊंगी तुझे मैं। क्यों मैं मेहमानों के सामने कर दी मेरी आज। अरे 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 अ